हैरान हो गए? चेंज पोकली टू चाइना कॉमेडी की वो एक्सप्रेस है जो आपको हर हफ्ते हंसी की राइड पर ले जाएगी. और मुझे कहा गया था कि इसे प्रमोट करना है. अब शो प्रमोट कर रहे हैं तो कुछ फायदा भी तो उठाएंगे. आखिर हम कॉमेडी सर्कस वाले हैं, इसीलिए हमने इनका सेट ही ले लिया अपने ग्रैंड फिनाले के लिए. अब यही होगा बिंगो हटके झटके प्रेजेंट्स कांटे की टक्कर का ग्रैंड फिनाले. किसके सर पर होगा जीत का ताज, सीजन वन या सीजन टू? और आज इन धुआंधारों को जज करने के लिए हमने बुलाया है एक और महाराजा को, जो किसी भी राजा बाबू को हीरो नंबर वन बना सकते हैं और कूली नंबर वन को बीवी नंबर वन दिला सकते हैं. बिल्कुल ठीक समझा आपने. प्लीज वेलकम शहनशाह कॉमेडी बॉलीवुड के नंबर वन डायरेक्टर, द वन एंड ओनली वन, डेविड धवन. हम सबको पता है कि हंसी के मामले में तो आप किंग हैं ही, लेकिन हमने ये भी सुना है कि आप डांस के मामले में भी बादशाह हैं. तो ये सीधा साधा चल के कैसे आए? एक डांस वाली एंट्री हो जाए. आपने गोविंदा को तो नहीं बुलाया था? गोविंदा का काम मैं कैसे कर सकता? प्लीज, ये उसकी रोजी रोटी है, मैं नहीं ले सकता. चलिए ठीक है, आप यहाँ आए ये बहुत बड़ी मेहरबानी है. आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि आप इंडस्ट्री के कॉमेडी डायरेक्टर नंबर वन हैं एंड यू आर हियर ऑन द नंबर वन कॉमेडी शो ऑन टेलीविजन. तो कैसा लग रहा है आपको? ऐसे लग रहा है अपने घर पे आ गया हूँ मैं तो. जी मैं जज के लिए आया हूँ तो मुझे मेरी कुर्सी दिखाई जाए. हाँ बिल्कुल, नहीं बिछाई गई है यहाँ, आइए. सर ये एक चीज मैं बोलना चाहूंगा शेखर के बारे में. जरूर. ये आज टेलीविजन में इतना शोर मच रहा है, शाहरुख खान, आमिर खान, सिक्स पैक्स और एट पैक्स. मुझे लगता है इससे पहले शेखर सुमन ने ये जो सिक्स पैक दिखाया था, ही इज द वन हु शुड गेट दी क्रेडिट फॉर दैट. ओके, सो हमारी स्पेशल गेस्ट के बाद एक सरप्राइज गेस्ट. प्लीज वेलकम कॉमेडी के सेल फोन पर हंसी का लाइफ टाइम फ्री टॉक टाइम, अर्चना पुरान सिंह. एक मिनट, अर्चना को तो मैं पहले ही बुला चुकी हूँ, तो ये कौन है? एक्सक्यूज मी, ये अर्चना को तो मैं पहले ही बुला चुकी हूँ, आप कौन है? वो डुप्लीकेट है. वो डुप्लीकेट है, मैं असली हूँ. अच्छा, हाँ. अगर आप असली हैं तो तीन सबूत दीजिए. एक तो ये, दूसरा ये, और तीसरा ये. अच्छा, नहीं नहीं, हाँ जाइए जाइए. जोरदार तालियां अर्चना टू के लिए. प्लीज वेलकम आज के हमारे गेस्ट परफॉर्मर्स, जो जाने कितनी शादियों में खाना खा चुके हैं, लेकिन सारी शादियों में खाने पीने के बाद डकार लेने आ गए हैं यहाँ. लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू अनूप एंड स्मिता. बहुत अच्छा डांस करती हो यार तुम, बहुत बढ़िया डांस करती हो. थैंक यू अनु, थैंक यू सो मच. देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना. क्यों, मैं कॉमेडी कर रही हूँ क्या? नहीं कॉमेडी कर नहीं रही हूँ, कॉमेडी हो जाती है ना. जिंदगी में बहुत सारी बातों पे कॉमेडी हो जाती है, लेकिन जितनी कॉमेडी शादियों में होती है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है. मेरे एक मौसा जी है, पता कैसे डांस करते हो? जरा म्यूजिक दीजिएगा. के अंदर कॉकरोच घुस गया हो कोई. अच्छा छोड़ो, फोटोज खींचने शुरू हो गए बारात में. भाई जैसे ही फोटो खींचने शुरू हुए, मामा जी को लगा कि फोटो में थोड़ी रईसी झाड़ी जाए. हाँ. जेब से 500 का नोट निकाला, मुंह में दबाया और खड़े हो गए. हाँ, और जैसे ही फोटो खींच गई, बैंड मास्टर ने नोट लिया और चल दिया. रुक रुक जा यार. और भाई ये दिखाने के लिए था यार, देने के लिए नहीं था.
मामा जी के तीन भांजों की शादियों का बजट जो है एक ही बार में आउट हो गया. फिर क्या था, बैंड मास्टर आ गया आगे, मामा जी पीछे पीछे. चाचा जी ने सोचा वो क्यों पीछे रहे, वो भी नाचेंगे, तो आ गए बीच में. चाचा जी टल्ली टुन्ने एकदम आते ही बीच में बोले, ओए तेरी बहन, ओए बंद कर माए, आए बंद कर, तो बीप बंद कर यार. चाचा जी की बेटी आई, उसने बोला डैडी डैडी ऐसे गाने ना शादियों में नहीं बजा करते. ओए आज बजेगा, आज बजेगा, बजाओ भाई. बारात आगे निकल गई. चाचा जी वहीं अपना सवेरा डांस करते रहे अकेले. वैसे आपको एक बात बताऊं, शादी में दूल्हे से अकेला कोई नहीं होता, बेचारा पीछे खड़ा रहता जनरेटर के पास. बॉबी की जिस दिन शादी हुई थी ना, उस दिन दिल्ली में 26,000 शादियां थी. मास सुसाइड का इससे बड़ा केस आपको और कहीं नहीं मिलेगा. हर जगह जहां देखो टेंट ही टेंट लगे हुए थे. कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन. जैसे कोई बारात आती, लड़की वाले तैयार हो जाते हाथों में माला लेकर, सुनिए जी बारात आ गई है. आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी. नमस्ते जी नमस्ते. कई बार तो बारात जो है गलत टेंट पे जाके रुक जाती. अरोड़ा जी के घर की बारात गुप्ता जी के घर के आगे जाके रुक गई. जो लोग होश में थे उनकी समझ में आया, वो ये तो गलत टेंट है यार. लेकिन दूल्हा घोड़ी से इतना डरा हुआ है कि वो इस मंडप पर भी शादी करने के लिए कंप्लीटली रेडी है. अरे बिल्कुल सही है यार. जब मरना ही है तो फिर फर्क क्या पड़ता है, गोली AK-47 की हो या 303 की. दुल्हन की बहनों ने आपस में बातें करनी शुरू कर दी. नीलू नीलू देखो वो दूल्हा जो है ना अपनी जीजू से ज्यादा स्मार्ट है, बारात को ना यही रोक लेते हैं. जो लोग खाना खाने चले गए थे उनको वापस बुलाया गया. खाना तो किसी तरह से बच गया, लेकिन हमारे बारातियों ने स्टार्टर और कोल्ड ड्रिंक्स वैसे ही साफ कर दिया था. फाइनली बारात सही जगह पर पहुंच गई. दूल्हे ने चैन की सांस ली और जैसे ही घोड़ी से उतरने लगा, घोड़ी वाला बीच में आ गया. अब बाजी दूल्हे को घोड़ी से उतारेगा ना, 1,001 रुपए लूंगा मैं. पैसों को लेकर फिर राड़ा. घोड़ी वाला मान नहीं रहा. बॉबी बेचारे की हालत खराब. बॉबी बोला, डैडी जी पैसे दे दो ना, बहुत दर्द हो रहा है, डैडी जी पैसे दे दो. डैडी बेचारे अपना हिसाब किताब करने लगे होते. ओ बॉबी यार तू चुप कर यार. ओ तेरे को पता है वो 25-25 रुपए के अंदर 25-25 मीटर के 4 चक्कर लगवाते हैं जू बीच में घोड़े वाले. ओ 1,001 रुपए मांग रहे हैं. पीछे से आई दादी की आवाज, अरे 4 चक्कर यही कटा दो, मामला निपटा लो ना. टल्ली चाचा जी बीच में आके बोले, ओ यार मैं तो कहता हूं घोड़ी में बैठा के फेरे करा दो इसके. वो तो पंडित जी ने बचा लिया. पंडित जी बोले, देखिए जजमान, घोड़ी पर बैठकर फेरे करवाने का प्रावधान नहीं है शास्त्रों में. अगर घोड़ी पर बैठकर फेरे हुए तो दूल्हे पर घोड़ी का भी हक होगा. वो सब तो ठीक है, पर इतना बड़ा बिस्तर कहां से लाओगे? दूल्हा पंडित जी के पास जाके बोला, पंडित जी देख जरा सामान लेना, हाँ मेरी पहली शादी है. बेटा डोंट वरी, मेरी भी. हाँ कमाल तो तब हुआ जब पंडित जी ने दो फेरे कराए और अनाउंस कर दिया, ये शादी संपन्न हुई. हाँ जी संपन्न हो गई. हाँ जी वो दो फेरों में शादी संपन्न हो गई है जी. वो बाकी के 5 फेरे तेरा प्यो करवाएगा आगे. हमारे यहाँ शादियाँ ऐसे ही होती हैं जजमान. ओ पंडित तेरे यहाँ होती होगी. ओए कान के नीचे बजाऊंगा, चल बाकी के 5 फेरे करवा. अरे 5 फेरे जजमान, लेकिन तेरा प्यो आएगा. नया नया सीखा. अरे नया कैसे सीखा, वो 7 फेरे होते हैं. पंडित जी फैल गए, बोले देखो जजमान, टिकनी होगी ना तो 2 फेरों में टिक जाएगी, वरना रात भर घुमाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो इससे पहले कि मैं आप लोगों से बातचीत करूं, जरा जान लेते हैं हमारे जजेस का क्या कहना है. शेखर, बहुत 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 अच्छा. भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं घोड़ी पर बैठ के नहीं गया था, मैं गाड़ी में गया था, नहीं तो मुझे भी शायद बड़ा बिस्तर ढूंढना पड़ता. अर्चना, यू टुक द आइटम जो ऑलरेडी इतना अच्छा था टू अनदर लेवल. फैबुलस. थैंक यू सो मच. डेविड जी, सुपर सुपर, वेरी वेल रिटन. एंड द बेस्ट थिंग इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ ऑफ यू.
इज एक्सीलेंट. और ये दो भेरे वाली शादी करनी चाहिए मुझे लगता है. आई नो पूरी रात वेस्ट नहीं हुआ करेंगी. एंड अर्चना टू आप क्या कहेंगी? मेरे हिसाब से तो थैंक यू अनूप, थैंक यू स्मिता. आप यहाँ पर आए और पूरी दुनिया को अपना एक नया अंदाज भी जो दिखाया. स्मिता, ये श्रुति बहुत अच्छी लड़की है ना. इसकी आधी पेमेंट चली गई लेकिन ये फिर भी थैंक्स कह रही है. हाँ एक एक मिनट, क्या आधी पेमेंट? क्या क्या मतलब? क्या हुआ श्रुति, तुम्हें बताया नहीं क्या? अरे हम लोग ये आधा शो होस्ट कर रहे हैं भाई. सीजन वन हमारे जिम्मे है. हम ना ही उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि उन्हें प्रेजेंट भी कर रहे हैं. ये कैसे हो सकता है यार, पता नहीं. अच्छा चलो एक काम करते हैं, पूरंस को प्रेजेंट हम कर देते हैं, पेमेंट तुम ले लेना. ओके श्रुति? रियली? तो ऐसा करो ना कि पूरन सुमन जितने भी लोग हैं सबको आप प्रेजेंट कर दो, चेक मैं ले लूंगी. ओके ठीक है, तो हम शो को आगे बढ़ाएं प्लीज. तो हंसी के ग्रैंड फिनाले का इनॉग्रेशन करने, कॉमेडी के सबसे बड़े महाउत्सव का रिबन काटने आ रहे हैं सीजन वन के अली काशिफ और शकील उर्वशी. प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. आप चार से दो कैसे हो गए? एक मिनट स्मिता. ये बात मैं आप दोनों को भी और हमारे सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि पिछले दिनों देश में जो भी हुआ उसके कारण हमारे दो स्टैंड अप आर्टिस्ट शकील और काशिफ को अपने मुल्क वापस जाना पड़ा और वहां पर भी वो हमें और कांटे की टक्कर को बहुत मिस कर रहे हैं. देखते हैं उनका एक छोटा सा संदेश. हम बेस्ट विशेस देना चाहते हैं जो हमारे फाइनलिस्ट जितने हैं, राजीव, काम्या, कृष्णा, सुदेश, अली और उर्वशी. तो आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारा इंतजार कीजिएगा. कंपटीशन का जज्बा कायम रखने के लिए सीजन वन के साथ जुड़ गई हैं दो ऐसी हस्तियां जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते. पहली बार एक साथ आ रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन, हमारे जजेस शेखर और अर्चना, जिनका मानना है कि शो मस्ट गो ऑन. और शो को आगे बढ़ाने के लिए, जंग को जारी रखने के लिए सबसे पहले आ रहे हैं शेखर और अर्चना के साथ अली और उर्वशी. और जंग के शुरू में ही शेखर मना रहे हैं अपनी सुहाग रात दुल्हन उर्वशी के साथ. और सुहाग रात में हाथ बटाने आ गई है एक डाकू अर्चना और उसके पीछे है पुलिस वाला अली. कमाल है यार, ये तो बहुत अजीब सी खिचड़ी बन गई है. तो आइए देखते हैं इनकी करतूतें. कैसी हो? मैं क्या अस्पताल में हूं तो ऐसे पूछ ले? कितनी प्यारी आवाज, ऐसा लगता है जैसे कोयल चहक रही है. पेशा ही मेरा बदल दिया, पागल की बच्ची. पागल की बच्ची नहीं, मेरा बाप ना चाइनीज था. चाइनीज था? पर मैंने तो जादी में किसी चाइनीज को देखा नहीं. क्या तो देखेगा, मल गया चाइना का माल और कितना चलेगा. लेकिन देखो मेरे पास वक्त नहीं है. मुझे पता नहीं करना क्या है क्योंकि आज मेरी ये पहली शादी है. पागल, तेरी पहली होगी, मेरी तो दूसरी है. क्या? तुम्हारी दूसरी शादी है? शांति ला चांदी थी, बिदाई हुई थी और कुछ नहीं होता. बैठा बैठा बैठा. पता है मेरी जब पहली शादी हुई थी मैं बिल्कुल ऐसे ही ना दुल्हन की तले तू आग लाद के लिए वेट कर रही थी. मेरा पति आया, मैंने उसे कहा दानू तुमने तुंडी लगाई. तुंडी 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 तुंडी. मैंने कहा दानू तुमने तुंडी लगाई. कभी ना बाल से तुंडी लगा के चला गया, मुझे अंदर बंद कर दिया उसने, वापस कभी आया ही नहीं. अच्छा कल तो तुमने तुंडी लगाई. नहीं मैं जल्दी जल्दी में भूल गया. किस काम की जल्दी थी तुम्हें? अच्छा मैं कुंडी लगा के आता हूँ. तुंडी लगा. डिस्काउंट डिस्काउंट. ये तलम करो, तुम अपने दोस्त को साथ में ले आए. अबे देख डर, मैं डाकू लूटने आया हूँ. नहीं डाकू भाई, आधे घंटे के बाद लूट लेना, अभी मुझे लूटने दो. समझा करो, आज मेरी पहली सुहागरात है. तू समझा कर, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है. हैं? पीछे पुलिस पड़ी हुई? मुझे तो पुलिस के कैरेक्टर पे डाउट हो रहा है. ओए, ओए, शेरवानी उतार 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 उतार. शेरवानी तुमको दे दी तो तुम चले जाओगे ना डाकू भाई. अबे उतार ना. कबलदार कबलदार, तुमने मेरी मार की दी हुई शेरवानी दे दी तो कुत्ते के लिए मारूंगी तुम्हें.
अबे चुप कर तोतली वरना इसे मार डालूंगा मैं। तो माल दे मेला कौन सा तगे वाला लगता है। चुप कर। पागल है पागल चाइनीज की बेटी है। बाखू भाई अब तो तुमने शेरवानी पहन ली ना अब तो जाओ। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि दो भी तेलवानी पहनता है ना मेरे साथ लेता मेरा मतलब है मेरे साथ बैठता है तुम्हें चला। नहीं ये नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बैठो बैठो। ओए माँ अरे दुदू थी होती है ऊपर लग। अबे ओए खटमल कान खोल कर सुन तेरी बीवी मेरी बंदूक की नोक पर है अगर तूने पुलिस के साथ चलाकी की ना तो ये नहीं बचेगी समझे। अरे धक्कू भाई दोन वाली ये कुछ बता के तो देखे ऐसे कुत्ते की तरह आओ कुत्ते की तरह। सरदार जो पे हिला तो पिस्टल फेंक के मारूंगा। हाँ अरे आज ये हो क्या रहा है जो कोई आ रहा है मुझे हिलने के लिए मना कर रहा है भाई आज मेरी पहली सुहागरात है। भाई तभी मुझे ये बताओ यहाँ कोई डाकू वाकू तो नहीं आए मैंने उन्हें इधर ही आते हुए देखा था। माय जगह है ये गंदी गंदी इशारे क्यों करते मुझे। हाँ मैं आदमी नहीं हूँ। नहीं मेरा मतलब है मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। हाँ ओह माय गॉड ये दोनों कौन है। मजा हमारी अभी अभी शादी हुई है। शादी आई लव मैरिजेस एक्सक्यूज ये बीच में आता बार बार तुम आगे से जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू टू शालू तोकली तू अरे जगदीश ला तू इधर भी। तोतली तू इसे जानती है। हाँ ये जगदीश ला दे ना मुझे ना प्यार करता था। और तू मैं भी। अबे शर्म नहीं आती तोतली तू मेरे मुंह पे सारी बातें कह रही है। What is this, हाँ? जब इसके पति को कोई इतराज नहीं है तो आपको काहे को इतराज हो रहा है। हाँ मुझे कोई इतराज नहीं है बल्कि आप तो इसका लव शव क्या पप्पे भी ले सकते हैं मेरी पत्नी का। कितना ब्रॉड माइंडेड आदमी है ये। अच्छो आगे से जा तेरा भरोसा नहीं। मेरा दिल करता मैं तुम्हारा हाथ चूम लूं। नहीं मेरा नहीं ओए मेरा नहीं मेरी पत्नी का हाथ चूम ले नो प्रॉब्लम। देख तू अगर संभला नहीं ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू पुलिस वाला है। ए क्या है। हाँ ये सब हो क्या रहा है जब इसके पति को कोई प्रॉब्लम नहीं वो उधर चुपचाप खड़ा है तो तुम काहे को बकबक कर रहा है। तुम है कौन। ये इसका बड़ा भाई है। अबे समझाना अपने बड़े भाई को। ए भैया समझाना तुझे मेरी बद्दुआ लगेगी। ए भाई क्या है ये। हाँ कोई अपनी बहन को बद्दुआ देता है। चुप कर भाई साहब। ये ना आपको बहुत खुश रखेगी। इसने मुझे भी 2 साल खुश रखा। Hey, don't do this. I like it. I mean, तो मुझे गलत समझ रहे हो। हमारा सिर्फ लव अफेयर था। Now situation is under control है ना। नहीं वैसे भाई साहब अगर आपका लव अफेयर था ना तो अभी भी चालू रह सकता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं घर में रहूं ना रहूं आप आ जा सकते हैं। You can come any time. अबे तेरे बाप का घर है। You can come any time. कमिया सब क्या है जब उसका हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको काहे को प्रॉब्लम हो रही है। उसके हस्बैंड में ही तो प्रॉब्लम है। उसको भाई नहीं भाई पसंद है। जगह है। हाँ अभी है ना। I like it. Hey, चलो मेरे साथ। चलो 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 मेरे साथ उठो। नहीं अरे चलो ना आधे घंटे में छोड़ दूंगा। नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ। अरे डरता क्यों है आधे घंटे की तो बात है। ठीक है मैं तुमको बाद में जूस भी पिलाऊंगा। नहीं 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 मैम बस सुन यार मैं वो नहीं मैं डाकू हूँ। मैं डाकू मेरे पास गन भी है। लोग तो हम लोगों को भी डाकू बोलते लेकिन हम क्या डाकू है। Never. नहीं है ना चलो इसको रख दो और मेरे साथ चलो चलो। अबे यार मैं वो नहीं हूँ मैं डाकू हूँ। देखो गन छोड़ दी मैंने। तुमने गन छोड़ दिया मैंने डंडा छोड़ दिया अभी चलो। जेल में मुझे डालो लेकिन मुझे जेल में मत डालना। चलो तो सही मेरे साथ। शेरवानी का ख्याल रखियो। अरे 3:30 बज गए
अब तो घड़ी के दोनों कांटे भी झुक गए हैं। चलो जल्दी जल्दी कुछ करते हैं यार। मम्मी 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 मम्मी। अरे टिंटू। हाँ। टिंटू? हाँ। ये कौन है? मेरा बेटा। टिंटू लगा। सुपर सुपर फैंटास्टिक। सुपर। सॉरी। नाइस नाइस। और अब इंडिया की जान, जिसके बिना इंडिया अधूरा है, और कॉमेडी सर्कस, जिसके साथ से होता पूरा है बॉलीवुड। इस साल बॉलीवुड की स्पेशल फिल्म्स को स्पेशल ट्रिब्यूट हमारी तरफ से। पानी पानी। सुरी जी, मेरा नाम पानी नहीं, मेरा नाम तानी है। अरे मैं पीने को पानी मांग रहा हूँ। हाँ, पानी। पानी बाद में, पहले भागो, भाग। अरे मुझे भागना नहीं आता। बहुत इजी है, लेफ्ट लेग आगे आगे, राइट लेग पीछे पीछे। अरे ये आवाज कहाँ से आई? हाँ, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? हाँ? पता नहीं, सुबह से जब भी मुंह खोल रही हूँ ऐसी आवाज आ रही है। लगता है रब ने मेरी सुन ली। हाँ, तुमने रब से क्या मांगा था? मैंने रब से मांगा था कि तुम्हें सबसे तेज भागने वाली चीज बना दे, ताकि मोहल्ले में तुम न्यू ईयर की रेस जीत जाओ। हाँ। रब ने मेरी सुन ली, थैंक यू गॉड, रब ने बना दी घोड़ी। पंजाब पावर में काम करते हो, फिर भी दिमाग की बत्ती गुल है। पंजाब पावर को चैलेंज मत करना। क्यों ना चैलेंज करूं? अगर पावर देखना है तो मेरे डांसर टीचर की देखो। क्या उससे तुम अपनी पावर दिखा दी? हाँ, रोज शाम को दिखाता है। पता है सूरी जी, मुझे हाथों में उठा उठा कर मुश्किल मुश्किल स्टेप्स करता है। उसे मैं धरती से उठा दूंगा। अरे तुम क्या उठाओगे, सुहाग रात के दिन पे तो। सुहाग रात के दिन मैं आया था। हाँ हाँ, हाँ तो वही तो कह रही हूँ, दिन में आए थे, रात में कहाँ थे? एक्चुअली मैंने खाने पे सब बकरों को बुलाया था, घास खत्म हो गई थी। हाँ, तो मुझे आउटस्कर्ट जाना पड़ा घास लेने। भगवान, तुमने मुझे घोड़ी तो बना दिया, लेकिन काश तुम एक घोड़ा बना देते तो कोई तो रेस जीत जाते। अरे मैं बकरा बन के भी रेस जीत सकता हूँ। हाँ, तो बॉक्स ऑफिस का रेस तो नहीं जीत पाए। अरे सूरी जी, मैं करने से रेस नहीं जीती जाती। बॉक्स ऑफिस की रेस जीतने के लिए कभी कभी टकला होना पड़ता है, या तो कभी कभी बॉडी बनाकर उसमें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती है, समझे? यही करते रहो, अब चलो। हंसी की मारामारी फुल स्पीड में चल रही है, और इस मारामारी की स्पीड और भी बढ़ेगी 10 जनवरी से, जब युवराज सिंह और बिग बॉस के आशुतोष जैसे खिलाड़ी करेंगे मारामारी। चिंच पोकली तो चाइना में। ये गलत है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं नहीं, मैं उस प्रूफ की बात नहीं कर रही, मैं अपनी पेमेंट की बात कर रही हूँ। पहले ये सीजन वन को सपोर्ट करने के लिए अनूप और स्मिता को लिया है, उनको मैंने रो रो कर यहाँ से भगाया, तो अब सीजन टू को सपोर्ट करने के लिए कुछ नए लोगों को बुला लिया है। हमें किस किस को संभालूंगी यहाँ पर? ये चीटिंग है। अरे नहीं है चीटिंग, ये देखो इसको। अब आप दोनों किस बारे में बहस कर रहे हैं? अरे मैं ये कह रही हूँ कि सीजन वन के कंटेस्टेंट तो चले गए, शकील और काशिफ, ये किस तरह की कांटे की टक्कर है यार। अरे लेकिन देखो, इनको आज तक के सबसे बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियंस दिए हैं ना। देखो, शकील काशिफ की जगह अर्चना शेखर। अभी आप दोनों भी सीजन वन को सपोर्ट कर रही हैं? नहीं नहीं, हम तो सीजन टू को सपोर्ट कर रही हैं। Yes. अरे तो उसकी फिक्र करो ना, सीजन वन की टेंशन क्यों ले रही हो? लो भाई, सगाई हुई नहीं कि डिवोर्स पर बहस चालू। करेक्ट, छोकरी होशियार है। लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुझे इससे भी अच्छी जगह काम पर लगा सकती हूँ। हाँ, हिमेश नाना और सनी की पर्सनल सेक्रेटरी। लो, उनके पास खुद काम नहीं है, मुझे क्या काम देंगे? अरे बहुत काम है आजकल इन लोगों के पास। अच्छा, फिल्में कर रहे हैं क्या? नहीं, अपनी फिल्मों की डीवीडीज बेच रहे हैं। अरे नहीं समझ में आया, अभी दिखाती हूँ। प्लीज वेलकम कृष्णा सुदेश एंड काम्या राजीव। किसके नाक से कदम पे चल रहा है? अरे जब डांस नहीं आता तो करता क्यों है? डांस, ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती। ओए, तूने भी मेरी कॉपी करना शुरू कर दिया?
सीडी बेचना शुरू कर दिया? अबे सीडी ना बेचूं तो और क्या करूं, क्योंकि आजकल मैं कर्ज में हूं. अरे ले लो ले लो, अरे ले लो ले लो, सलमान की ले लो, शाहरुख की ले लो, अरे किसी की भी फोटो ले लो, अरे एक के साथ दूसरी भी पैसे में ले लो. नाना अंकल, हे मैं थप्पड़ मारना, नाना बोल या अंकल बोल. जो भी है, अरे कितनी बार कहा है कि यहाँ सीडी की दुकान है, पोस्टर की नहीं, पोस्टर बेचने मत आया करो. अरे क्यों ना बेचने हूं, जितनी भी तुम लोग सीढ़ियां बेचते हो इसमें मेरे गाने हैं. अबे साइलेंस बीड़ी पिया. अच्छा तो तू है रमेश? रमेश नहीं, हिमेश, लेट्स रॉक वाला. आज ही मैं फिल्म देख के आया उर्मिला की, उसमें शायद तू भी था. हस्मत, उसकी टिकट नहीं मिल रही थी. देखा, उसकी टिकट नहीं मिल रही थी. लेट्स रॉक, कितनी भीड़ है वहां पे. मैंने कहा टिकट दे दो, कहते एक बंदे के लिए फिल्म कौन चलाए. लेकिन अंकल, इसने तो बहुत हटके फिल्म बनाई थी, तभी तो दूसरे दिन ही हट गई थी. मेरा इंसल्ट मत कीजिए, आज मेरी दुकान की ओपनिंग है. लेट्स रॉक. दुकान की ओपनिंग है? दुकान के नीचे? अरे अपनी फिल्म की क्लोजिंग करके दुकान की ओपनिंग कर रहा है. अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तू सीढ़ी चढ़ता हुआ नहीं, सीढ़ी बेचता हुआ अच्छा लगता है. इसीलिए आज तक मेरी किसी फिल्म की पायरेसी नहीं हुई, समझे? पायरेसी उन फिल्मों की होती है जो फिल्में चलती हैं, उनके नहीं जो अगले दिन चली जाती हैं. तेरी कौन सी चलती है? अरे आपका डीवीडी प्लेयर खराब होगा. अरे मैं तेरी फिल्मों की बात कर रहा हूँ, तेरी फिल्मों की मार्केट बंद हो गई है. तभी तो मैंने अपनी खुद की मार्केट खोल ली है. सीडी देवल, अब बेचेगा सीडी केवल. अरे ले लो ले लो ले लो, अपने के साथ चमकू फ्री ले लो. अरे बोनी का टाइम है, ले लो यार. ए, बोनी का टाइम भी गया, उसकी भी कई फिल्में अटकी पड़ी हैं. अरे दो के साथ एक फ्री ले लो, लेट्स रॉक. ए, मैं थप्पड़ मारने? दो के साथ एक फ्री ले लो, दो के साथ तू फ्री कैसे देगा, तेरी तो आई दो है. खत्म हो गए जो दूसरों के गाने गा रही है. भाई, ये कौन है और किसकी कॉपी कर रही है? ये ईशा कॉपी कर नहीं, ईशा केवल है. ईशा बेटी, बड़ा दुख लगा कि तुमने ये टिफिन सिस्टम शुरू कर दिया. अरे नहीं नहीं, ये तो भैया यहाँ सीढ़ी बेचकर रोजी रोटी कमाने की कोशिश करते हैं, और मैं रोज ही उनके लिए रोटी लेकर आती हूँ. तो ठीक है, फिर कल से मेरे लिए भी रोटी लेकर आना. लेट्स रॉक. अरे हिमेश, तुमने अच्छा हुआ सीडी की दुकान खोल ली. वैसे आपके सुरूर के बाद आपका सुरूर ही खत्म हो गया. नहीं हुआ है, अभी तक चल रहा है. ए, अपना तन दूरी पे रख, और अभी तक नाइट नहीं हुई है. और इसका गाना छोड़ी छा, जरा पापा को फोन लगा, पूछ कहाँ है वो. खाना वाना खाया क्या नहीं उन्होंने? हेलो पापा. राम जादे. अभी बात कराती हूँ. हेलो कुत्ते. तेरा है. हेलो कमीने. तुम्हारे भाई से बात करना चाहते हैं. बाय पापा. हाँ भैया. आप ये सीडी कितने की बेच रहे हैं? ये सब 25-25 रुपए की सीढ़ियां हैं. हाय भैया, किसी को 5 रुपए की चाहिए होगी तो. 5 रुपए की, फिर पापा की भी है पुरानी. अरे बंद करो ये बकवास, क्या बात कर रहे हो. अरे कब तक हम लोग अपनी बेइज्जती करवाते रहेंगे? एक्टिंग की वजह से कोई फिल्में नहीं चलती, क्या हो रहा है? हम एक मिलके ऐसी फिल्म बनाएंगे जो सुपर हिट होगी. लोग पोस्टर देखते ही कहेंगे ये फिल्म सुपर हिट है. हाँ, और हम उसका नाम रखेंगे सुपर हिट. तो जजेस, आप कौन सी फिल्म की डीवीडी लेंगे? जब अक्सर इंसान अकेला परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत कम रहता है. जब दो लोगों के साथ लोग परफॉर्म करते हैं तो परेशानी और दिक्कत और प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, और चार लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. लेकिन कहीं ऐसा आप लोगों के तालमेल में, कोऑर्डिनेशन में ऐसा नहीं लगा कि कोई हेजिटेशन थी. इट वॉज अ कम्प्लीट परफॉर्मेंस. थैंक यू सर. ये नंबर मैं तुम्हें दूँ 9.
हालांकि शेखर ने कहा कि चार लोगों के साथ थोड़ा सा आसान हो जाता है. आसान नहीं, डिफिकल्ट हो जाता है. हाँ, डिफिकल्ट हो जाता है. ओके गुड, देन वी अगेन वी अग्री. अरे वी आर सपोज टू बी एन अपोजिंग टीम्स यार शेखर. आई बेग टू अग्री. आई थिंक ऑल फोर ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट ऑनर्स टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ आवर्स. यू गेट अ परफेक्ट 10. Spoken a lot. I think I shouldn't comment on this. ये बहुत diplomatic हो रहा है. ये इसलिए नहीं बोल रहा है. I think इसलिए नहीं क्योंकि हमने नहीं बोला. Because हमने थोड़े industry के बारे में थोड़ा उड़ाया. नहीं. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. फिलहाल आज के ग्रैंड फिनाले को आगे बढ़ाते हैं और अब वक्त है हमारी दो और स्पेशल गेस्ट को बुलाने का. लेकिन ये कॉमेडी की दुनिया से नहीं है, ये फैशन वर्ल्ड से है. प्लीज वेलकम कॉमेडी के मैदान में पहली बार बॉलीवुड के सीरियस डायरेक्टर मधुर भंडारकर और हमारी जोक्स की तरह हॉट प्रियंका चोपड़ा. मधुर, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे अरे बैठो 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 बैठो, हमें इंटरव्यू करना है, आज हमारी फिल्म का प्रमोशन है. मधुर, प्रमोशन गया भाड़ में. पहले तुम मुझे ये बताओ, फिल्म फैशन में कंगना को तुमने मुझसे बड़ी मॉडल दिखाया जबकि मैं उससे बड़ी हीरोइन हूँ. ओह माफ करना प्रियंका, मुझे सच में पता नहीं था कि तुम्हारी एज उससे ज्यादा है. स्टूपिड, मैं स्टेटस की बात कर रही हूँ. फिर भी तुमने फिल्म में ये दिखाया कि मैं कंगना के लेवल तक पहुँचने के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ. ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अच्छी एक्ट्रेस है. व्हाट रबिश, फिल्म में ज्यादा अच्छी एक्टिंग मैंने की है. क्या बकवास कर रही हो. सबने यही कहा है कि जिस सीन में उसने दारू पी के झूमने की एक्टिंग की है, सबसे कमाल का सीन है वो. हाँ तो उसमें कहाँ से एक्टिंग आ गई, वो तो हमेशा ही टुन रहती है. मेरे जितने भी फ्रेंड्स फैशन देखने गए थे वो इसी चक्कर में गए थे कि मधुर हमें फिल्म में कुछ दिखाएगा, लेकिन उसने तो कुछ दिखाया ही नहीं. कैसी बेवकूफ लड़की हो तुम, दिखाता कैसे, मैं तो फिल्म में था ही नहीं. अरे उनका ये मतलब था कि तुम फैशन वर्ल्ड से जुड़ी हुई चीजें दिखाओगे, समझे? पागल लड़की, हिंदी फिल्मों में जुड़ी हुई चीजें सेंसर बोर्ड काट देता है. ओफो मधुर, कोई बिलीव नहीं कर पाएगा कि तुम फिल्में भी बना सकते हो. लो, अगर कांति शाह फिल्म बना सकता है तो मैं क्यों नहीं. कांति शाह, अब ये कौन है? अबे सीग्रेट फिल्मों का यश चोपड़ा. अबे उसकी हीरोइनों के छोटे छोटे कपड़े देखकर ही तो मुझे फैशन बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिली. What? Fashion एक सी ग्रेड की रीमेक थी? क्या बकवास कर रही हो? Fashion बिल्कुल ओरिजिनल सी ग्रेड है. क्या? Fashion सी ग्रेड थी और मुझे पता भी नहीं चला? तुम्हें क्या? किसी को भी पता नहीं चला क्योंकि मैंने सी ग्रेड फिल्म में ए ग्रेड हीरोइन डाल दी थी. दोनों सीजन्स का टीम वर्क तो हमने देख लिया, अब युद्ध होगा फेस टू फेस, जोड़ी वर्सेस जोड़ी. लेकिन उससे पहले कॉमेडी के सबसे बड़े चैंपियन का चैलेंज. तो डेविड जी अपनी ही फिल्म का एक सीन लेकर आए हैं और वो चाहते हैं कि उस सीन के लिए इम्प्रॉम्प्टू डबिंग करें. तो चलिए देखते हैं कौन सा है ये सीन. सलमान. कौन है? मैं कतरीना. उठ बटले, भूल गए मुझे. अबे वो तो अक्षय के साथ शूटिंग पे गई है, सोने देना मुझे. शूटिंग कैंसिल हो गई, मैं बहुत बोर हो रही हूँ. सलू डार्लिंग. अबे बोर हो रही है तो मैं क्या राजीव ठाकुर हूँ जो तुझे जोक सुनाऊंगा? ओ मेरा तौलिया भी छोटा हो गया. अबे तुझे रिक्शा भाड़ा दिया था ना कि सुबह 4 बजे उठ के चली जाना, अभी तक सो रही है क्यों? मेरी आंख लग गई. सॉरी. आंख लग गई? अबे तू चांटा लगाएगी वो कांटा लगाएगी. मैंने कब चांटा लगाया? अबे तुझसे नहीं कहा मैं. देख तू 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 क्या? अबे जा. है अच्छा मेरा क्या कह रहे हो तुम? मेरा चश्मा तो दे दो. अबे कौन सा चश्मा? ये चश्मा, ये. अबे मेरे कान में क्यों लगाया? तुम्हारा चश्मा नहीं मिल रहा, मैं अभी आके दे रही हूँ. तुम्हारा आ गई तू. ये क्या? मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया. आ पापा. अबे तू. डार्लिंग ये मौका हमें क्यों नहीं मिला? अच्छी. एक मिनट मेरी बात सुन प्रेम चोपड़ा, मेरा मतलब प्रियंका चोपड़ा, मेरी बात सुन. अबे मचा. एक मिनट बात सुन प्रेम चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका. एक मिनट, मैं मेरी जॉगिंग मत. दूसरे के तुम चश्मे लेते हो, मेरे चश्मे कम पड़ते हैं तुम्हें. मैंने चश्मे की दुकान डाली है. एक बात बता. हां तो तुम्हें दुकान ही डाली तो तुम उसके चश्मे क्यों ले रहे थे? तू जा कर रही है. यू
You rock, guys, and I really want to take you guys home. Oh, thank you so much. Superb, superb, fantastic. Thank you. Rajiv and Kamya, hats off to both of you. जो consistency आपने पिछले इतने सारे episodes में दिखाई है, उसी consistency और उसी coordination के साथ आपने आज एक बार फिर perform किया. Thank you. Comedy की जंग अब आ चुकी है उस mode पर जहाँ दोनों teams की जोड़ियाँ करेंगी एक दूसरे पर आक्रमण और ये knockout ही decide करेगा कि कौन बनेगा कांटे की टक्कर का champion, season one या season two. हसी का महासंग्राम होगा किसके नाम, सुमंस या फिर पुरंस. फिनाले का दूसरा और आखिरी हिस्सा हम लेकर आएंगे अगले हफ्ते. हसी की महायुद्ध का विजेता चुना जाएगा अगले हफ्ते, तो डोंट मिस इट. तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए. गुड नाइट एंड टेक केयर. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.